एक्सप्लोर कर लिया, उतना वाइड वैसा नहीं हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोबारा मैं जावा के शोरूम में आ गया हूँ, क्योंकि जावा 42 की तो वीडियो मैंने बना ली थी, डिटेल थोड़ी बहुत दे दी है, रिव्यू पूरा बनाया नहीं मैंने। जावा जो नॉर्मल क्लासिक बाइक है उसका रिव्यू बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि उसमें क्या है। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि पूरी डिटेल दूँ आपको, और धूप बहुत तेज़ आ रही है तो अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार, केके से परिवार में आपका स्वागत है। जो पहले से जुड़े हुए उनको सलूट और नमस्ते, और जो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ यार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये ओनली जावा है और ओल्ड मॉडल में है, बिल्कुल जो पुरानी आती थी वो वाली दौर में है। बिल्कुल आपके हैंड लाइट भी देख सकते हैं अपन, ये पुराने ज़माने में जावा और मैं बाइकों में आती थी वह बिल्कुल वैसी। इसमें कवर अप में अलग ही लुक कर रहा है। ये आप देख रहे हो कि लिक्विड कूल, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी है, जो आपका कूलर है एक बॉडी लगाई हुई है, स्टील जैसी लगती है, खाली स्टील नहीं है, खाली बहुत ही अच्छा है। गलती से बाई चांस आप नीचे गिर जाएँ तो इसको नुकसान नहीं हो, इससे बच जाएंगे। जावा 42 और बाकी पूरी बाइक ही सेम है, जैसे मैंने लॉक वाला बताया था, यहाँ पर हैंडल लॉक हो जाता है, यहाँ पर गाड़ी ऑन हो जाती है, और इंडिकेटर दोनों के सेम है बिल्कुल। गाइस सिंगल चैनल एबीएस दिया हुआ है, और पीछे नॉर्मल ड्रम बैक है, तो वो आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देख सकते हैं ड्रम बैक है पीछे तरफ और आगे तरफ सिंगल चैनल। दोस्तों ये आगे वाला टायर है, इसमें दिया हुआ है 90-90-18 साइज का टायर है, और MRF के टायर हैं, और नॉर्मली ताड़ियों वाले हैं। ये पीछे वाला टायर देख रहे होगे, ये पीछे का टायर है, और 120/80/17 है ये, और बहुत ही मोटाई अच्छी है टायर की। ये जावा की आवाज़, इसमें भी वॉइस सिस्टम दिया हुआ है, जो साइलेंसर में आवाज़ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये 14 लीटर की टंकी है। दोस्तों नॉर्मल जावा 300 cc की बाइक है, और इसका BHP 2727 है, और है ना टॉक इसका दिया हुआ है 28। इसकी जावा और जावा 42 की दोनों की हाइट सेम है, 765 mm। बढ़िया बाइक है, और लुक में दोनों आपने देख ली होगी, और जो साइलेंसर वाली जो मेरी पूरी डिटेल में वीडियो है, आवाज़ कैसे चेंज कर सकते हैं वो नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप है ना चेक कर सकते हैं। पावर टॉक है 28, 14 लीटर की टैंक है। जावा 42 बाइक चलाई थी, और है ना कंफर्ट उसमें भी अच्छा है, बाकी चलाने में बहुत मज़ा आया था, ABS बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब जावा नॉर्मल बाइक में चला कर देखता हूँ, क्योंकि इनका हैंडल थोड़ा ऊंचा है, और सिटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है हैंडल के कारण ही, तो वो चेक कर कर देखें। चलो लेट्स गो। फाइनली हम नॉर्मल जावा बाइक चला रहे हैं, और सीटिंग में बहुत फ़र्क है यार, यह तो कंफर्ट ज़्यादा अच्छा है, और हैंडलिंग तो दोनों की बढ़िया है, और ये सीटिंग भी बहुत अच्छी है, एक नीचे है और तो पाँच ऊपर, और पिकअप तो यार एक नंबर ही है, 27 के पिकअप है, और टॉक है 28, तो उसका जलवा जितना बुलेट कर लिए उतना वाइड वैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है स्पोर्ट्स बाइक ही चला रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया रहा हूँ। ABS भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल मज़ा आ गया।
भी जावा 42 और नॉर्मल जावा बाइक की 7.6 mm हाइट है। ये बंद हो गई, एक मिनट रुको। दोस्तों जावा बाइक मैंने चलाई और बहुत ही बढ़िया थी, कहने मतलब से हैंडल के कारण ही आपको मालूम है कि थोड़ी सिटी में फ़र्क हो जाता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूरिंग जो भी करता है राइड पर कौन जाता है उसको तो कंफर्ट बहुत ही अच्छा मिला है, और चलाने में बिल्कुल दोनों सेम ही है, वाइब्रेशन है ही नहीं, वो बिल्कुल सेम थी, और है ना पावर बिल्कुल अच्छी है, 27 BHP है, मज़ा आ गया चलाने में। तो आप भी एक बार है ना जावा के शोरूम में आए और है ना टेस्ट ड्राइव लें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि है ना ये बाइक में क्या अच्छा लगा, टेस्ट ड्राइव कर आप कमेंट देंगे तो बाकी अपने और भी साथी हैं वो भी चेक कर पाएंगे कि इसमें क्या अच्छा है, जो मेरे से मिस हो गया हो तो सॉरी यार, कुछ गलती हो गई हो मेरे को तो यार माफ़ कर देना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और क्या करें सब्सक्राइब ज़रूर।